हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटीज एंड द टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 161 द गोंड्स। ठीक है, पहली ट्राइब है ये आप लोगों को जो पढ़नी है, जो जनजाति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो पहली ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है इंडिया की, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, द गोंड्स, है ना। द लगाया गया है क्या, गोंड्स वैसे, है ना। चलिए तो देखिए, ध्यान रखना आपको, लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, गोंड्स ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इंडिया में रहते हैं, वेल नोन ट्राइबल कम्युनिटी है। आपको ये बात ध्यान रखनी, इसका एरिया क्या क्या है, एक तो है ना, एरिया के बारे में ध्यान रखना है। तो एरिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, HB डबल आएगा ना शायद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, AP लिख देते हैं, एंड उड़ीसा, ये इनके मेन एरिया हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट कम्युनिटी है, देखिए कितने सारे स्टेट्स में है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, इनकी लैंग्वेज के बारे में। तो जो गोंड कम्युनिटी है वो लैंग्वेज बोलती है गोंडी, ठीक है, GONDE, तो उनके नाम में था गोंड, और गोंडी इनकी लैंग्वेज है। ठीक है, फिर इतना लर्न हो जाएगा बेटा, है ना। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आप, एक रफ कॉपी में लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोरिकली जो जिस एरिया में गोंड कम्युनिटी रहती थी, अब तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह हो गया है, लेकिन पहले तो ये स्टेट्स नहीं थे पुराने टाइम पे, इसको बोलते थे गोंडवानालैंड। क्या बोलते थे? गोंडवानालैंड, जिसमें गोंड्स रहते थे। या फिर एक और नाम आपकी बुक में दिया गया है, दैट इज गढ़ कटंगा। क्या बोलते थे? गढ़ कटंगा, ये इनको बोलते थे। जो गोंड्स ट्राइबल थे वो अपनी कैपिटल जो बनाते थे, वो बनाते थे या तो किसी हिल के पास या किसी रिवर के पास, है ना, या तो नदी होगी आसपास या पहाड़ होंगे, वहाँ पे जाके बसते थे। डेंस फॉरेस्ट होते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए डेंस फॉरेस्ट का यूज़ करते थे, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट क्यों? देखिए घने जंगल होंगे तो वहाँ पे घुसना, अंदर आके अटैक करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसको यूज़ करते थे, ठीक है। चलिए सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक टाइम आया जब मुगल्स की एंट्री इंडिया में हुई, ठीक है। जब मुगल्स की एंट्री इंडिया में हुई तो उन लोगों को ये बात गले से नहीं उतर रही थी कि एक ट्राइब है गोंड नाम की और उसका इतने बड़े भारत पर कब्ज़ा है, पूरे इंडिया में इतनी फेमस है, इतनी पॉपुलर है और पूरे इंडिया पे उसका कब्ज़ा है। तो ये बात खासकर अकबर को, है ना, अकबर के समय पे बात आई, मुगल एम्परर था अकबर, है ना, उनके समय पे बात आई कि कैसे ना कैसे हमें इन्हें हटाना है। तो मुगल्स के आने के बाद धीरे धीरे करके गोंड्स कमज़ोर होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे मुगल अकबर शासक बना है, राजा बना है, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है गोंड ट्राइब बहुत पावरफुल है, इसलिए तो अकबर कोशिश करेगा इनको हराने की। देखिए अगर कोई पावरफुल ही नहीं है, कोई आपके चैलेंज ही आपको नहीं कर पा रहा है, आपके इक्वल ही नहीं है, तो आप उसके सामने लड़ना भी उचित नहीं समझेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 20 साल का लड़का एक 5 साल के लड़के से नहीं लड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसे हरा भी दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अकबर जैसा पावरफुल राजा, मुगल जितनी पावरफुल डायनेस्टी से आता है, वो अगर गोंड्स को चैलेंज कर रहा है, उनके सामने लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब गोंड्स बहुत पावरफुल होंगे उसके समय पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की कहानी थी, तो पूरी बात आपको समझ में आई होगी गोंड्स की, जो मैंने इस बोट पे, हमारे मिनी बोट पे, है ना, वॉल बोट नहीं है, मिनी बोट है, उस पर हमने सीखी। आप लोग रीड ज़रूर करें, ठीक है, और जितनी बातें, कुछ बातें देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी भी होंगी, लेकिन सब चीज़ें काम की नहीं होती। जितनी चीज़ें मैं आपको इस बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखते रहिए टाइम टू टाइम, है ना, रफ कॉपी में। आपको फेयर कॉपी में तो नहीं लिखना है इसको, फेयर कॉपी में तो वो क्वेश्चन आंसर से आपको करने होते हैं जो क्लासरूम ऐप पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप इसको अगर लिखते रहेंगे तो क्लियर रहेगा। इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मैं आपको बताता हूँ, है ना, सब बातें आपको ध्यान नहीं रखनी, और क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे एट दी एंड, ठीक है बेटा। तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक क्वीन दुर्गावती पे, है ना, उनकी बात अभी करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।